नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजु सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल एक्सचेंज थ्योरी यानी कि सामाजिक विनिमय के सिद्धांत के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत के बारे में बात करी हुई थी यानी कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो कि हमें ये बताता है कि सोसाइटी में संघर्ष का क्या रोल है और जो भी समाजशास्त्री संघर्षवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं उन्होंने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं। कोई मानता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में संघर्ष की भूमिका होती है, तो कोई ये मानता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष ही प्रमुख कारण है और संघर्ष होता है दो वर्गों में। मार्क्स ने वर्ग के बारे में बोला है और मैक्स वेबर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनमें कुछ चार प्रमुख नाम थे जो कि सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, आप चाहो तो उनको देख सकते हो अगर डिटेल में आपको संघर्ष सिद्धांत को समझना है। और आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विनिमय के सिद्धांत को समझेंगे कि ये सिद्धांत किस बारे में बात करता है और सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में, सामाजिक बिहेवियर में ये एक्सचेंज वर्ड कहाँ से आ गया। और एक्सचेंज तो सिंपली चीज़ों का, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो ये सोशियोलॉजी में किस तरह काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक्स इसके बारे में जान लो। सबसे पहली बात कि ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, इन दोनों ही सब्जेक्ट से ये थ्योरी आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको सर्वप्रथम जॉर्ज हुमान्स ने 1950 के दशक में प्रस्तावित किया था और इस सिद्धांत से जुड़े अन्य जो नाम है उनमें पीटर ब्लाउ, रिचर्ड एमर्सन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जैसे प्रमुख नाम हैं जिन्होंने सामाजिक विनिमय या सोशल एक्सचेंज थ्योरी पे काम किया है। और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों में एक्सचेंज यानी विनिमय शब्द का प्रयोग किया है और उसको डिफाइन किया हुआ है कि सोसाइटी में किस तरह जो भी रिलेशन होते हैं या दो लोगों के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ लेन देन का प्रोसेस चलता है, जिस प्रकार हम लोग एक्सचेंज यानी विनिमय की प्रक्रिया में करते हैं। तो आपने अगर नाम याद रखने हैं तो इन तीनों के, और सबसे मेन कौन है, जॉर्ज हुमान्स याद रखना है। और ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है, सोशियोलॉजी और मनोविज्ञान से यानी कि साइकोलॉजी। और अब थोड़ा इस सिद्धांत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप देख लो, जिसमें कि पहला है पुरस्कार या लाभ यानी कि रिवॉर्ड या बेनिफिट, सेकेंड है लागत यानी कि कॉस्ट, थर्ड है पारस्परिकता यानी कि रेसिप्रोसिटी, फिर है न्याय यानी कि इक्विटी, तुलना स्तर यानी कि कंपैरिजन लेवल, और विकल्पों के लिए तुलना स्तर। तो आगे जब हम इस थ्योरी के बारे में डिटेल से बात करेंगे तो ये वर्ड कहाँ पे और किस लिए और किस अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। बट अभी सिद्धांत को पढ़ने से पहले ये जो बेसिक आपको पता होने चाहिए थे मैंने बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक विनिमय के सिद्धांत के बारे में। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी सिंपली बात करती है एक्सचेंज के बारे में जो कि सोसाइटी में हो रहे हैं। तो सोसाइटी में एक्सचेंज क्या होते हैं, चीज़ों या पैसे या वस्तुओं के लेन देन। एक्सचेंज का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आदान प्रदान या गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है, जिसमें आपने किसी को कुछ दिया तो उसने उसके बदले में कुछ किया या कुछ दिया। पर जब हम बात करते हैं सोशल एक्सचेंज के बारे में यानी सामाजिक विनिमय के बारे में, तो वहाँ पर जो संसाधनों की लेन देन हो रही है उसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। पहला तो ठोस यानी कि मूर्त चीज़ें, जैसे कि पैसे, वस्त्र, गेहूँ, चावल, अनाज, जो कि पहले के सिस्टम में होता था कि अगर आप, जब आपकी करेंसी नहीं आई थी, पैसे या सोने के सिक्के ये सब चलन में नहीं थे, तो लोग आवश्यकताओं के अनुसार जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए उसका लेन देन करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी के पास गेहूँ है और उसे चावल की ज़रूरत है तो उसने, इस बंदे ने ले जाके गेहूँ इसे दिया, और इसके पास चावल एक्स्ट्रा हैं तो इसकी ज़रूरत चावल है तो इसने इसे चावल दे दिया। तो ये एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो पहले भी चलता था। पर जब हम सोशल एक्सचेंज की बात करेंगे तो वहाँ पे ये वस्तु पैसे के साथ साथ अमूर्त चीज़ें जैसे कि टाइम, समय, एफर्ट, प्रयास, प्रेम, सम्मान, इन सारी चीज़ों का भी आदान प्रदान होता है। यानी कि जब आप सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरैक्शन कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप लेन देन की प्रक्रिया करते हो। किस चीज़ की, इन सारी चीज़ों की, इन संसाधनों की, जिसमें मूर्त अमूर्त दोनों ही प्रकार के संसाधन हैं। तो अगर हम बात करें सोशल एक्सचेंज थ्योरी की, तो वो एक्सचेंज को एक सामाजिक व्यवहार मानता है। क्यों? क्योंकि हम इसको समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो समाजशास्त्र में जब आप किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, बोलचाल, आदान प्रदान, अपनी फीलिंग, अपनी आइडियाज़, अपना कुछ भी आप शेयर कर रहे हो, तो उसके बदले में क्या आप ले रहे हो, तो उसके बदले में भी आपको कुछ मिलता है। क्या मिलता है? सामने वाले का समय, सामने वाले का सपोर्ट, सामने वाले की केयर। अगर आप मूर्त चीज़ों को हटा के सिर्फ अमूर्त चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब किसी से बातें भी करते हो तो भी आप उसमें
एक्सचेंज कर रहे हो क्या अपने आइडियाज़, आप अपनी फीलिंग्स उसे बता रहे हो, वो सुन रहा है, वो अपनी फीलिंग्स आपको बता रहा है या अपने कुछ सजेशन आपको दे रहा है, ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट एक्सचेंज है। पर सामाजिक विनिमय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो विनिमय है वो काम करता है लागत लाभ विश्लेषण पे। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार लोग सामाजिक संपर्क में शामिल होते हैं ताकि वे अपने लाभ को अधिकतम और नुकसान को न्यूनतम कर सकें। लाभ यानी आप जिसके साथ समय बिता रहे हो या आप जिसके साथ बातचीत कर रहे हो या आप जिसके साथ संपर्क रख रहे हो उसके साथ आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। प्रॉफिट का तात्पर्य यह है कि वो आपके सपोर्ट में खड़ा होता है, वो आपकी फीलिंग्स की केयर करता है, वो आपकी बातों को सुनता है, उसके बारे में अपने सुझाव देता है, तो आप प्लस में हो। बट यदि कोई आपके टाइम, एफर्ट, आपके रिस्पेक्ट, आपके केयर की वैल्यू नहीं कर रहा है और वो कहीं और ही वो सारे जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, टाइम, रिस्पेक्ट, केयर, वो ना देखे, वो कहीं और टाइम दे रहा है, तो सिंपल सी बात है आप उस रिलेशन में या उस संपर्क में, उस दोस्ती में या फ्रेंड्स में, जो भी चीज़ है उसमें नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पे नुकसान हो रहा है। इस सिद्धांत की बुनियादी धारणा यह है कि व्यक्ति एक लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर कार्य करते हैं ताकि वे अपने लिए सबसे अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सके। अनुकूल परिणाम का तात्पर्य क्या है? कम पैसे में ज़्यादा फायदा। अगर कम पैसे में आपको ज़्यादा फायदा नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट जितना आपने पैसा लगाया है या जितनी आपकी लागत लगी है उतना तो लाभ मिल ही जाए, वो आपके लिए अनुकूल होगा। बट यदि आपने जितनी लागत लगाई है, जितना आपका कॉस्ट लगा है, उतना आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो फिर वो आपके लिए अनुकूल परिणाम नहीं हो सकता। और वही चीज़ यहाँ पे है कि मतलब ह्यूमंस जो होते हैं वो किसी के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करने में वो एक एनालिसिस करते रहते हैं किस चीज़ का, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और वो अनजाने में ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्लान करके करते हैं, वो ऑटोमेटिक आप खुद भी देखोगे, आप किसी के साथ तभी रिलेशन में रहोगे जब वो आप में इंटरेस्टेड होगा। सिर्फ आप एक तरफा इंटरेस्ट रख भी लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं रख रहा। एक टाइम के बाद आप भी बोर हो जाओगे कि यार मैं सारे एफर्ट मैं ही करूं। तो वो चीज़ यहां पे लिखी हुई है कि लागत लाभ एनालिसिस सब करते ही करते हैं और उसी पे ये सोशल एक्सचेंज की थ्योरी काम करती है। और इसमें क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपने लिए सबसे अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकें इस चीज़ का वो प्रयास करते हैं। आप इन दोनों ही इमेज को देख के समझ सकते हो, जब कॉस्ट एंड बेनिफिट बराबर नहीं होंगे, ये जो साइन है ये बराबर मतलब नहीं है, नॉट इक्वल का साइन है, तो जब कॉस्ट एंड बेनिफिट इक्वल नहीं होंगे तो आपके रिलेशनशिप्स गेट्स वीकर, मतलब रिलेशनशिप आपके कमज़ोर होते जाएंगे। और जब आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट बराबर होगा, इक्वल में होगा, मतलब जितनी लागत लग रही है उतनी लाभ मिल रही है, तो आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे। सोशल एक्सचेंज थ्योरी को आप इसी में से ईजिली समझोगे, बेनिफिट यानी पॉजिटिव रिलेशन और लॉस यानी निगेटिव रिलेशन। निगेटिव मतलब अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो आपके वो सोशल रिलेशन बने रहेंगे, वो सामाजिक संपर्क, वो बिहेवियर, वो बॉन्डिंग, वो फ्रेंडशिप, वो लव रिलेशन, जो भी आपका रिलेशन है वो बना रहेगा सोसाइटी में। बट यदि आपको लग रहा है कि आपके जो भी कॉस्ट हैं वो निगेटिव में जा रहे हैं, यानी कि सामने से वो रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, तो वो आपका रिलेशन नहीं बनेगा। तो इन शॉर्ट, सोशल एक्सचेंज थ्योरी या सामाजिक विनिमय का सिद्धांत यह कहती है कि मानव संबंधों का निर्माण लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर होता है। या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम उन सोशल इंटरेक्शन में शामिल होते हैं जो हमें फ़ायदेमंद लगते हैं, जो हमें नुकसानदायक या जो महंगे लगते हैं उन सोशल इंटरेक्शन में हम नहीं जाते हैं या उनसे बचते हैं। और इस सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो अनजाने में ही अपने एक दूसरे के बीच के इंटरेक्शन का मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं कि क्या उन्हें इस रिलेशन में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं इस सिद्धांत में आने वाले शब्दों के बारे में या इस सिद्धांत से जुड़े कीवर्ड्स के बारे में। तो पहला वर्ड है पुरस्कार, रिवॉर्ड, या जिसे कि आप लाभ या बेनिफिट बोलते हो। तो लाभ या पुरस्कार का तात्पर्य क्या है? किसी संबंध से प्राप्त होने वाले सकारात्मक परिणाम। अर्थात जब आप किसी भी सोशल रिलेशन में होते हो, किसी भी संबंध में आप हो, तो क्या आपको सामने से उतना ही रिस्पांस मिल रहा है जितना कि आप डिज़र्व करते हो, तो वो आपका हो जाएगा सकारात्मक परिणाम यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे कि भावनात्मक समर्थन, जो हमने बात करी सपोर्ट के बारे में, साथ ही सामाजिक स्थिति या आर्थिक लाभ। मतलब अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो या लव रिलेशन में हो या मैरिड रिलेशन में हो, जिस भी रिलेशन में हो,
वहाँ पे आपने उसे अपना समय, एफर्ट, जो भी चीज़ें आप दे सकते हो आपने दी हैं, तो क्या सामने से वो भी आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है, आपको इमोशनली सपोर्ट करता है? अगर आपको ज़रूरत हो पैसे की, जिसमें आपका आर्थिक लाभ आ जाता है पैसे की या कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया किसी भी मनी रिलेटेड चीज़ों में, तो क्या वो सपोर्ट कर रहा है? अगर वहाँ से सपोर्ट आ रहा है तो वो आपका हो जाएगा बेनिफिट या पुरस्कार। नेक्स्ट है लागत। लागत मतलब किसी संबंध में व्यक्ति द्वारा उठाए गए नकारात्मक परिणाम या प्रयास। मतलब जब आप पुरस्कार या बेनिफिट की बात कर रहे हो तो वो पॉजिटिव है, और जब आप कॉस्ट की बात कर रहे हो तो वो निगेटिव है। ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि लागत वो है जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं प्रयास। अब उसमें समय हो सकता है सामने वाले को देना, अपनी ऊर्जा, अपना सपोर्ट, जो भी है। तो कॉस्ट एंड रिवॉर्ड के बारे में तो आपको आइडिया लग गया होगा, पहले भी हमने बात करी। नेक्स्ट है न्याय या इक्विटी। तो ये क्या है? ये है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें जो आपका संबंध है उस आदान प्रदान में निष्पक्षता या संतुलन है या नहीं। अगर संतुलन है तो संबंध कैसा हो जाएगा? संतोषजनक। और अगर संतुलन नहीं है तो वो आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो न्याय होना चाहिए रिलेशनशिप में। आप जितना टाइम, एफर्ट, केयर उसको दे रहे हो, उसके भी तरफ से उतना ही रिस्पॉन्स आना चाहिए, या तो उससे ज़्यादा भी आ जाएगा तो बेस्ट है आपके लिए। तो जब व्यक्ति महसूस करते हैं कि पुरस्कार और लागत निष्पक्ष रूप से वितरित किए गए हैं तो वे संबंध में अधिक संतुष्ट होते हैं। यदि आप रिलेशनशिप में हो, सामने वाला भी उतनी ही केयर, उतने ही टाइम आपको दे रहे हैं, तो आप उस रिलेशनशिप में रहोगे और आपको लगेगा ठीक है, मैं जितना डिजर्व करता हूँ उतना मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट है पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी। यह उम्मीद कि लोग एक दूसरे के कार्यों का समान रूप से जवाब देंगे, यानी जितनी चीज़ लागत इधर से लग रही है उतना ही लाभ इधर से मिलना चाहिए, जिससे संबंध में परस्पर लेन देन की गतिशीलता बनती है। पारस्परिकता की बात करें तो सिंपल मीनिंग है गिव एंड टेक का बराबर संतुलन रहे। ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ से कोई इंसान देते जा रहा है और ये बस लेते जा रहा है, वहाँ पर वो संतुलन नहीं रहेगा, वहाँ पर रिश्ते बिगड़ जाएंगे। नेक्स्ट है तुलना स्तर यानी कि कंपेरिजन लेवल। कंपैरिजन लेवल मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, ये मानक है, इस तरह के मुझे रिलेशनशिप में चीज़ें चाहिए, जिसके आधार पे व्यक्ति किसी संबंध की वांछनीयता का मूल्यांकन करते हैं। यह पिछले अनुभव और अपेक्षाओं से प्रभावित होता है, यानी कि पिछला जो उनका रिलेशनशिप था वो किस तरह था, अच्छा था या बुरा था, वो उनका एक मानक सेट करने में हेल्प करता है। और अगर पिछला एक्सपीरियंस बुरा है और आज का एक्सपीरियंस अच्छा है तो उसके आधार पर वो तुलना करते हैं। यदि किसी संबंध के परिणाम अपेक्षित स्तर को पूरा करते हैं या उससे अधिक होते हैं, मतलब पिछला जो उनका एक्सपीरियंस था अगर उससे ऊपर जा रहा है या उसके बराबर है, तो वो संबंध उनके लिए संतोषजनक माना जाएगा। बट अभी का जो रिजल्ट है वो नीचे ग्राफ में जा रहा है, तो फिर वो रिलेशनशिप उनके लिए सही नहीं होगा। नेक्स्ट है विकल्पों के लिए तुलना स्तर यानी कंपैरिजन लेवल फॉर अल्टरनेटिव्स। यानी कि बहुत सारे ऐसे सोशल रिलेशंस होते हैं जिसमें इंसान कंपैरिजन करता है कि अच्छा ये वाला रिलेशन अच्छा है कि वो वाला रिलेशन अच्छा है। तो विकल्प होते हैं बहुत सारे कि मुझे इनके साथ दोस्ती करनी है या इनके साथ दोस्ती करनी है। तो संभावित मतलब संभावित वैकल्पिक संबंधों या स्थितियों के लाभ और लागत का आकलन, यानी कि अगर 4-5 लोगों में से आपको डिसाइड करना है कि मुझे किसके साथ दोस्ती रखनी है, मान लो इतने सारे लोग हैं, फ्रेंडशिप मान लो आप कई लोगों के साथ रख सकते हो, तो आपने इसको देखा और उसमें आपने आकलन किया इसमें लागत लगाने पे कितनी लाभ हो रही है, इसमें लागत लगाने पे कितनी लाभ हो रही है। एनालिसिस करने के बाद जहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बेस्ट है, तो आप उस रिलेशनशिप को ज़्यादा रखोगे। अगर मान लीजिए ये 4 लोग हैं, इनमें से इसके साथ मेरी ठीक ठाक काम चलाऊ दोस्ती है, पर अगला विकल्प अगर ये मिल जाएगा और हमें लगेगा कि ये इससे बेटर है, तो ये जो वर्तमान में इसके साथ दोस्ती है इसको तोड़ के इंसान इस दोस्ती में आ जाएगा। या जो भी मान लो आप वर्क प्लेस पे हो या किसी जॉब में हो, तो वहाँ पे इस तरह के रिलेशन देखने को मिलते हैं जो आपके जॉब में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम में आपकी हेल्प करवा रहे हैं, उनमें से जो आपके लिए बेस्ट होंगे एम्प्लॉई कलीग्स, उनके साथ आप ज़्यादा अच्छे रिलेशन रखोगे। तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि विकल्पों के लिए तुलना स्तर के, हाँ इन लोगों में से मुझे ये सारे ठीक लग रहे हैं। तो आई होप आपको सोशल एक्सचेंज थ्योरी और उसके कीवर्ड्स और उसके बारे में किसने सर्वप्रथम बोला, कौन कौन से नाम उनसे जुड़े हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो या आपको लगता है कि कहीं पर कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोई फैक्ट या कोई पॉइंट जो मुझसे रह गया हो या मुझसे गलती हो रही हो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।